में आप लोग सो गाइस स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस जिस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मुंगेर का जयप्रकाश उद्यान, जो कि काफी लोग कंपनी गार्डन के नाम से भी जानते होंगे, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो फाइनली जयप्रकाश उद्यान पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। अब चलते हैं गार्डन के अंदर और फिर आप लोगों को पूरा गार्डन घुमाते हैं। सो कंटिन्यू ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिएगा। सो चलते हैं अंदर। गाइस तो गार्डन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। यह है टिकट, मात्र 5 रुपया टिकट चार्ज है गार्डन के अंदर आने का। अब हम आप लोगों को पूरा गार्डन घुमाते हैं। पार्क में एंट्री करते ही सबसे पहले आप लोगों को ये मिलेगा, जो कि देख सकते हैं। इस पार्क का सबसे मनमोहक चीज़ है जो कि पेड़ के ऊपर घर बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। हालांकि इसके ऊपर भी आप लोग जा सकते थे, लेकिन अभी ये बंद हो चुका है क्योंकि बहुत ही पुराना हो गया है और इसमें थोड़ा सा नुकसान हो चुका है, टूट फूट चुका है, इसी वजह से इसके ऊपर चढ़ने के लिए मना किया गया। नहीं तो इसके ऊपर भी जाके हम आप लोगों को दिखाते, हालांकि बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके ऊपर आप लोग आराम से जाके घूम सकते थे, फोटो शूट करवा सकते थे। और गाइस देख सकते हैं इस साइड सीढ़ी बना हुआ है, ये सीढ़ी के माध्यम से सभी लोग ऊपर जाके घूम सकते थे, लेकिन अभी ये बंद हो चुका है। हालांकि इसको चालू करना चाहिए क्योंकि इस गार्डन का सबसे खूबसूरत प्लेस था ये, और कुछ दिन पहले अगर आप लोग आते तो इस जगह को आराम से आप लोग विजिट कर सकते थे। हालांकि ये अब पूरी तरीका से बंद हो चुका है। पार्क बच्चे के लिए स्पेशल झूला और खेलने के लिए बनाया गया है। चलते हैं अंदर और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप बात करते हैं गार्डन की अच्छाई के बारे में, तो आप लोगों को बता दें कि मुंगेर का बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गार्डन है ये। इस गार्डन का नाम पहले कंपनी गार्डन था, बाद में इसको चेंज करके जयप्रकाश उद्यान रख दिया गया। काफी लोग इसे चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। अभी आ गए हम इस गार्डन के एक और मनमोहक चीज के पास, जो कि देख सकते हैं राक्षस। जी हाँ, इस राक्षस के मुंह से पानी निकलता था, हालांकि अभी ये बंद है, लेकिन जो कि देख सकते हैं काफी बड़ा ये राक्षस टाइप का बनाया हुआ है और इसके अंदर से जो हाथ फाड़ा हुआ है इसके अंदर से पानी निकलता था और इस साइड से धीरे धीरे करके नीचे की ओर जाता था। काफ़ी खूबसूरत लगता था जब ये निकलता था। हालांकि ये अभी बंद है, लेकिन यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं। और इसके आगे आप लोग अच्छे से बैठ के फोटो शूट करवा सकते हैं, बस इतना सा ही काम बचा है, वो भी आप लोग आगे कर सकते हैं। गाइस तो गार्डन के जस्ट बगल में एक बड़ा सा तालाब है, जो कि देख सकते हैं। इस तरह का कुछ आप लोगों को रास्ता मिलेगा और यहाँ तक आ सकते हैं, और इस जगह से देख सकते हैं बिहार योगा स्कूल आप लोगों को पूरा दिख जाएगा। इस जगह से आप लोग बिहार योगा स्कूल को देख सकते हैं और यहाँ पे आप लोग बैठ के एक काफी अच्छा आनंद उठा सकते हैं। बोलना पड़ रहा है, बहुत खूबसूरत था ये गार्डन, लेकिन धीरे धीरे इस गार्डन की खूबसूरती विलुप्त होते जा रही है, क्योंकि जितनी खूबसूरत और जितना नाम है इस गार्डन का, उस हिसाब से इस गार्डन को मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। क्योंकि देख सकते हैं इस साइड
झरना टाइप का लगा हुआ था और इसमें पानी का फुहारा निकलता था, लेकिन ये बंद है। और इस साइड देख सकते हैं, हालांकि पहले इसमें काफ़ी सारा फूल लगा हुआ रहता था, लेकिन अभी कुछ मात्रा में दिख रहा है, ताकि आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत ही कम फूल दिख रहा है हमें, जो कि जिस चीज़ पे इस गार्डन पे ध्यान देना चाहिए वो सब चीज़ों पे उतना अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस साइड भी देख सकते हैं, झरना था अब नहीं है। इस साइड भी मतलब पूरी तरीके से लग रहा है कि ये आने वाले समय में विलुप्त होते जा रहा है, क्योंकि यार इतना अच्छा प्लेस है और इसको और खूबसूरती से सजाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं इस पे ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि हमें लगता है कि हम 2 साल पहले जब यहाँ पे आए थे तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देखने में, हालांकि देखिए हरा भरा से ये खूबसूरती नहीं बढ़ता, इसमें जो लाइट है हर एक चीज़ का जो व्यवस्था है उस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो देख सकते हैं ये दोनों साइड जो लाइट लगा हुआ है, हमको लग रहा है एक भी लाइट के ठीक नहीं है, क्योंकि टूटा फूटा सा लग रहा है, देख सकते हैं। तो जयप्रकाश उद्यान के पीछे भी आप लोग आ सकते हैं, इस साइड भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा स्पेस है, इसको भी उसी गार्डन के अंदर माना जाता है। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पार्क टाइप का इस साइड भी बनाया हुआ है, बीच में बैठने के लिए भी है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस है, अच्छा खासा हवा भी है और यहाँ पे काफ़ी कुछ है, तो आप लोग यहाँ पे आसानी से बैठ सकते हैं। गाइस तो इस गार्डन में जो भी कुछ था सभी कुछ आप लोगों को दिखा दिए, सो वीडियो को यहीं पर एंड करता है। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय बाय।